हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में क्रिएट हुई है। अगर हम बात करें इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की तो आप यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है NR/2001/FE&FS। अगर बात करें डेट ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएशन की तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 अप्रैल 2021 को ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि PGCIL पावर ग्रिड जो है वो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ इंडिया का महारत्ना एक यूनिट है जो कि PSU का है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है वो टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है जो कि 24 मंथ्स के लिए है। ये आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ये रिक्वायरमेंट करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें हम तो इसमें है 30, और कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 12 है, OBC NCL के लिए 7 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 1 है, और EWS कैंडिडेट के लिए 3 है। PWD कैंडिडेट फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 2 है और एक्स सर्विस मैन के लिए 1 पोस्ट है। सेकेंड पोस्ट है आपका फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 8, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट्स हैं। OBC की बात करें NCL के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, EWS के लिए 1 है, और PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। अब थर्ड पोजीशन पे अगर बात करें तो थर्ड पोजीशन पे है आपका फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 47, जनरल के लिए 20 है, OBC के लिए 12 है, और SC के लिए 9 है, ST के लिए 1 है, और EWS के लिए 5 है, और PWD कैंडिडेट्स की बात करें, डिसेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो 2 है, और एक्स सर्विस मैन के लिए 1 है। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट फील्ड सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है, जिसमें जनरल के लिए 6 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, EWS के लिए 1 है, और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 1 है, और अगर बात करें एक्स सर्विस मैन के लिए तो टोटल नंबर पोस्ट 1 है। अब बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आप देख सकते हैं पोस्ट कोड फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट ID 1 के लिए पोजीशन के लिए है। आपका अपर एज लिमिट है 29 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BE, BTEC या BSc किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन से विद 55%, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि कौन कौन सी ब्रांचें में, तो अगर आपने BE, BTEC या BSc इलेक्ट्रिकल, आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 1 ईयर का पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस होना मस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड एक्सपीरियंस शुड 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इन सभी फील्ड्स में अगर आपने 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, तो आप सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए है, पोस्ट आईडी 2 है, अपर एज लिमिट इसमें भी 29 ईयर्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम अगर आपने BE, BTEC, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग या इसे इक्विवेलेंट जो है डिसिप्लिन में विद 55% आपने अगर एजुकेशन लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 1 ईयर, यहाँ देख सकते हैं फील्ड एक्सपीरियंस है, इसमें भी 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेटिव फील्ड्स में, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे है आपका फील्ड सुपरवाइजर पोस्ट आईडी 3 है। अगर इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की तो अपर एज लिमिट आपकी 29 ईयर्स है, क्वालिफिकेशन आपकी फुल टाइम डिप्लोमा 55% के साथ अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTEC, MTEC या ME विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मीन्स आपका डिप्लोमा होना मस्ट है, बिना डिप्लोमा के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। आपको बता दें अगर आपने डिप्लोमा के बाद BE, BTEC किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा मस्ट है। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इन रिलेटिव फील्ड्स में।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट आप देख सकते हैं जो कि है फील्ड सुपरवाइजर सिविल की, पोस्ट आईडी नंबर है 4। अपर एज लिमिट की बात करें तो 29 इयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपका डिप्लोमा मस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से 55% के साथ तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने किया है डिप्लोमा के बाद तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीटेक है केवल और डिप्लोमा आपने नहीं किया तो इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी फील्ड्स में तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सैलरी क्या होगी। तो आप यहां देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर के लिए, वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर सिविल हो, तो उसके लिए आपको 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक सैलरी आपकी 30,000 रहेगी और इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA और पर्क्स 35% का मिलेगा आपको। और बात करते हैं अगर फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की, तो उसमें आपको 23,000 से सैलरी आपकी 1,05,000 के बीच हो सकती है, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपका 23,000 रहेगा प्लस इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA प्लस 35% आपको पर्क्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज पर गवर्नमेंट जो है आपको OBC के लिए आपको 3 ईयर्स, SC के लिए 5 ईयर्स, EWS के लिए नो रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन OBC NCL के लिए आपको 6 ईयर्स, ये सभी जो है आपको अलाउंस दिए जाएंगे एज लिमिट में, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, फील्ड इंजीनियर की अगर बात करें तो सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, केवल इंटरव्यू के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होना है। लेकिन स्क्रीनिंग के लिए अगर PGCIL चाहे तो आपका रिटन टेस्ट भी करा सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट इफ़ कंडक्टेड शैल बी 1 आवर ड्यूरेशन, मीन्स 1 घंटे का अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर नंबर आप कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो स्क्रीनिंग के लिए एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, तो जिसमें आपका 1 आवर का जो है एग्ज़ाम होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 1:50 क्वेश्चन ऑन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड 25 क्वेश्चन, मीन्स 50 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रहेंगे और 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं वो एप्टीट्यूड GK GS एप्टीट्यूड हो सकता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 40% मिनिमम होगा और 30% फॉर SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए होगा फॉर स्क्रीनिंग, आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे नीचे कि द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। आप 5th नंबर पे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड टेस्ट विल शॉर्टलिस्ट एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन स्क्रीनिंग टेस्ट, मीन्स आपका जो सिलेक्शन होना है वो केवल इंटरव्यू के बेस पे होगा, केवल शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जब बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आपको मिनिमम जो नंबर शॉर्टलिस्ट होने के लिए चाहिए वो आपको 75 मार्क्स का 40% चाहिए जनरल और EWS के कैंडिडेट्स के लिए, और OBC और ST के लिए आपको जो है SC ST के लिए 30% चाहिए। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें अगर बात करें तो मल्टीपल टाइप मीन्स MC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो वो आपके सेंटर फॉर रिटन टेस्ट वो जो होगा आपका केवल दिल्ली NCR में ही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू / रिटन टेस्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फील्ड इंजीनियर के अगर हम बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए 400 है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, और सुपरवाइज़र की बात करें तो 300 है। अब बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं,
आप ऑनलाइन जो है powergrid.in पे जाके कैरियर सेक्शन पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है और आपको कोई भी हार्ड कॉपीज आपको सेंड नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन टू powergrid। ओके, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपकी हर जॉब अपडेट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यदि कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो रही हो वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स,